वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तीन रिपोर्टर्स मोनिका यादव, दानिश आनंद और समीर दीक्षित भी मौजूद थे, जिन्होंने निर्मला सीतारमण से कई अहम सवाल पूछे। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते ये एक्सपोर्ट मेजर्स कितने इफेक्टिव हैं, और सितंबर 19 को जो पीएसबीज के साथ आपकी मीटिंग है उसमें आपका मेन फोकस क्या होगा? सितंबर 19 का मेरा मीटिंग पीएसपी के साथ, मैंने जैसे मेरा प्रेजेंटेशन चलते आई एक्सप्लेन टू यू कौन कौन से ऐसे मुद्दे के ऊपर उनके साथ बात करूंगी। जैसे आई हैव सेड दैट फ्लो ऑफ लिक्विडिटी should also be something on which I want to. Partial guarantee scheme which we have given, we will be asking questions on how far they are able to move on that. On the external benchmark related or repo rate related matter, we will be talking to them. Those are the mudda on which I'll be talking with the public sector banks. Hi, ma'am, I'm Danish Anand from Zee Business. Aaj jo aapne exports ko boost karne ke measures announce kare hain, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो एक स्लोडाउन चल रहा है, एंड देन ऑन द अदर हैंड हमारा यूएस के साथ भी वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेड टेंशंस। सो आपको लगता है कि जो मेजर्स अनाउंस कर रहे हैं वो इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर पाएगा? ग्लोबल स्लोडाउन में रुपी के वैल्यू इतना लो होने के बावजूद भी, मतलब डॉलर के मुताबिक एक्सपोर्ट्स जो एक्चुअली उसके कारण और बढ़ना चाहिए, उसको अगर हम प्रोत्साहन दे सकते हैं अभी, उस प्रोत्साहन से क्या उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, इस उम्मीद से ही ये एक्सटेंशन हो रही है ऐसे बेनिफिट्स। क्या पूरे वो यूएस चाइना टेंशन को या ऐसे कुछ चैलेंजेस को मीट कर पाएंगे? ये सिर्फ हमारे हेल्प के साथ नहीं, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ हमारे एक्सपोर्टर्स आज तक बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, उनका ये थोड़ा सा मदद भी उपयोग में आएगा, ये हमारे एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि एसेट्स हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत सारे विषय में अच्छा फेस कर रहे हैं यूर ग्लोबल चैलेंजेस को, हम इसके साथ उनको थोड़ा और राहत दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। समीर दीक्षित, जी चैनल से, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मैम, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, तो इकोनॉमी के मुद्दे पर किस तरीके का फीडबैक, किस तरीके का रिस्पांस आपको अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, किस तरीके का जवाब उनसे मिल रहा है, आपको ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके की मिल रही है? रिस्पांस ऐसे ही मिल रही है जिसके तहत हम हमारी तरफ से हर सेक्टर को जो इनपुट दे रहे हैं वो सब उन रिस्पांसों का नतीजा ही है। सो द काइंड ऑफ रिस्पांस आई एम गेटिंग फ्रॉम द पार्टीज इंटरेक्शन इन द ग्राउंड is really the kind based on which our responses are being given here. So they're not widely different other than what I consult myself.